हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एन यूनिवर्स डबल टू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एनिवर्स डबल टू फर्स्टली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं इसकी वर्किंग क्या होती है और इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है तो सबसे पहले लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस सिस्टम के अंदर लिथियम ब्रोमाइड एज ए नेम सजेस्ट एक एब्जॉर्बेंट की तरह यूज होता है और जो लिथियम ब्रोमाइड का जो सोल्यूशन होता है वो क्रोशिव सोल्यूशन होता है तो उसके क्रोशिव नेचर को कम करने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए लिथियम क्रोमाइड को इसमें ऐड किया जाता है ताकि एक सिस्टम के किसी भी मेटल पार्ट्स को कोरोजन ना प्रोवाइड करे और लिथियम ब्रोमाइड एक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है और इस सिस्टम के अंदर वाटर को एक रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि जो लिथियम ब्रोमाइड है उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है वाटर वेपर्स के साथ जिससे वो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्व कर सकता है और इस सिस्टम को जनरली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें टेम्परेचर फोर डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है जैसे एयर कंडीशनिंग है चीलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है चीलिंग ऑफ बीवरेज एंड फ्रूट जूसेस है और इस पूरे सिस्टम में जो इवेपोरेटर होता है वहाँ पे जो रेफ्रिजरेटिंग का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट जो जीरो डिग्री सेल्सियस होता है उससे अप्रोक्सीमेट चार डिग्री ज़्यादा होता है या चार पॉइंट चार डिग्री के आसपास होता है तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले मेन कंपोनेंट्स क्या हैं लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्सन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ये पूरा सिस्टम इसमें बेसिकली दो सिलेंड्रिकल सेल होती हैं जैसे हमें नज़र आ रही हैं फिगर में एक सिलेंड्रिकल सेल ये है और दूसरा सिलेंड्रिकल सेल ये है जो ये सेल है ये हाई प्रेशर साइड होता है और इस सेल में लो प्रेशर साइड होता है लो प्रेशर साइड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं एक एब्जॉर्वर होता है और दूसरा इवेपोरेटर होता है और हाई प्रेशर साइड में भी दो कंपोनेंट्स होते हैं कंडेंसर और जनरेटर तो चार कंपोनेंट्स तो ये हैं उसके बाद इसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स हमें नज़र आ रही हैं इवेपोरेटर के अंदर चिल्ड वाटर ट्यूब्स होती हैं एब्ज़ॉर्वर के अंदर कूलिंग वाटर ट्यूब्स होती हैं और ये ट्यूब्स फर्दर कंडेंसर के अंदर भी होती हैं कूलिंग वाटर ट्यूब्स और जनरेटर के अंदर जो ट्यूब्स हैं ये हीटिंग कोयल्स होती हैं स्टीम के लिए या वार्म वाटर के लिए ये जनरली होती हैं अब मैं बात करूँगा कि ये पूरे सिस्टम में जो वर्किंग है किस टाइप से होती है इसके अंदर कूलिंग पॉइंट कूलिंग टावर होता है एक पंप होता है एक हीट एक्सचेंजर होता है और दो पंप अलग से होते हैं एक सोल्यूशन पंप और दूसरा इवेपोरेटर और रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेंट पंप तो सबसे पहले इसकी वर्किंग से पहले मैं कुछ कलर इंडिकेशन आपको बताना चाहूँगा जो रेड कलर है वो डाइल्यूट और वीक लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है लाइट रेड कलर स्ट्रोंग और कंसनट्रेटेड लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है और जो ब्लू कलर है वो रेफ्रिजरेंट वाटर को इंडिकेट करता है रेफ्रिजरेंट एज ए वाटर यूज़ करते हैं इसमें ग्रीन कलर कूलिंग वाटर को इंडिकेट करता है लाइट ब्लैक कलर चिल्ड वाटर के लिए है और डार्क ब्लैक कलर स्टीम और हॉट वाटर के लिए तो हम बात करेंगे सबसे पहले इस सिस्टम में हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है कि जो चिल्ड वाटर हमें मिले क्योंकि ये हमारे हाई टेम्परेचर पे जो वाटर आएगा उसको ठंडा करना है और हमें चिल्ड वाटर हमें चाहिए फॉर एयर कंडीशनिंग या कुछ अदर जो प्रोसेसिज होती हैं जैसे चीलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर या चीलिंग ऑफ फ्रूट जूसेज तो सबसे पहले जो ब्लू कलर हम देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इवेपोरेटर के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वाटर और इस रेफ्रिजरेंट को हम इवेपोरेटर और रेफ्रिजरेंट पंप की हेल्प से इस ट्यूब से होते हुए यहाँ स्प्रे करते हैं स्प्रे नोजल की हेल्प से तो जब इसको स्प्रे करेंगे और यहाँ से चील्ड वाटर पास करेगा हमारा जब इसको ठंडा करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है तो यहाँ से जो वाटर इस पर स्प्रे होगा वो यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा और हीट एक्सट्रैक्ट करने से हुआ जो वाटर स्प्रे हुआ था वो इवेपोरेट हो गया है और इवेपोरेट होने के बाद वो एब्जॉर्वर की साइड चला गया है अब एब्ज़ोर्वर में क्या हुआ कि जो रेड कलर हम देख रहे हैं ये लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन है जो वीक सोल्यूशन हम कहते हैं और यहाँ पर जब वाटर के जो वेपर्स आएंगे एवेपोरेशन के बाद वो यहाँ मिक्सअप हो जाएंगे तो वो मिक्सअप होने की वजह से ही इसके अंदर हमें वीक सोल्यूशन मिलता है लिथियम प्लस ब्रोमाइड प्लस वाटर वेपर तभी इसको हम वीक सोल्यूशन कहते हैं जो रेड कलर है तो तो क्या होगा कि जो वीक सोल्यूशन है वो एब्जॉर्वर से जाएगा सोल्यूशन पंप में अब सोल्यूशन पंप से जाएगा वो हीट एक्सचेंजर से होता हुआ जनरेटर में अब जब जनरेटर में इसको स्प्रे करेंगे अब स्प्रे करने से क्या हुआ कि जो स्प्रे हम कर रहे हैं ये लिक्विड प्लस ब्रोमाइड प्लस वाटर वेपर्स वीक सोल्यूशन है डाइल्यूट सोल्यूशन है तो यहाँ जो हीटिंग कोयल्स हमने यूज़ की हैं इनको यूज़ करने का मेन कारण था कि जो लिथियम ब्रोमाइड के अंदर वाटर वेपर्स हैं वो इवेपोरेट हो जाएं और जब वो इवेपोरेट होंगे वो ऊपर की तरफ उठेंगे और यहाँ से होते हुए वो कंडेंसर में चले जाएंगे तो पूरे सोल्यूशन से वाटर वेपर्स अलग हो गए हैं और जो हमारे पास सोल्यूशन बचता है ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ लिथियम ब्रोमाइड और इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हम फिर पास करेंगे हीट एक्सचेंजर से और हीट एक्सचेंजर से जब पास करेंगे वो जाएगा इस पाइप के थ्रू अब्जोर्वर में उसको स्प्रे करेंगे तो अब एक चीज़ हमने देखी कि जो वीक सोल्यूशन हमारा जा रहा है यहाँ से वो थोड़ी हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन से और उसका जो थोड़ा टेम्परेचर है पहले ही इनक्रीज हो जाएगा इसको हीट एक्सट्रक एक्सट्रैक्ट करने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें यहाँ पे कम स्टीम की रिक्वायरमेंट है हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए क्योंकि इसने कुछ हीट यहाँ से स्ट्रोंग सोल्यूशन से एक्सट्रैक्ट कर ली है और जब ये स्ट्रोंग सोल्यूशन हमारा यहाँ हम स्प्रे नोजल की हेल्प से यहाँ स्प्रे करते हैं और इधर से वाटर वेपर आते हैं और यहाँ जो अरेंजमेंट है कूलिंग टावर वाटर की जो कूलिंग पौंड या कूलिंग टावर से लेते हैं इस पंप की हेल्प से तो जब यहाँ से कूलिंग वाटर जाएगा इस ट्यूब से होता हुआ ऐसे तो जो कूलिंग वाटर का मेन काम क्या है ट्यूब से होते हुए कि जो यहाँ हमने स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को इस पर स्प्रे किया है और जो वाटर वेपर्स यहाँ से आए हैं वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करे और इसको कंडेंसेट और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करे तो जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा हो जाएगा और वेपर्स जो वाटर वेपर्स में मिक्सअप हो जाएंगे वीक सॉल्यूशन होगा और यहाँ से जो कूलिंग वाटर फिर जाएगा कंडेंसर में अब कंडेंसर में इसका काम क्या है कि जब यहाँ से वाटर वेपर अलग होके कंडेंसर में गए थे तो जो कूलिंग वाटर यहाँ आएगा वो वाटर वेपर से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको कंडेंसेट में कन्वर्ट कर देगा और कूलिंग वाटर यहाँ से तो बाहर चला जाएगा अब जो वाटर वेपर कंडेंस हुए हैं वो यहाँ स्टोर हुए हैं और उसको हम सप्लाई करते हैं इवेपोरेटर के अंदर अब इवेपोरेटर के अंदर इसको सप्लाई करने का मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट पंप की हेल्प से जो वाटर को स्प्रे किया था वो इवेपोरेट होकर ऑब्जॉर्वर में चला गया था तो यहाँ पे जो हमारे पास जो भी इसका जो लेवल रिड्यूस हुआ है जो ये लिक्विड स्विच हैं बेसिकली हमें इंडिकेट करते हैं कि वेपोरेटर के अंदर लिक्विड का रेफ्रिजरेंट का लेवल कितना है तो उस लेवल को कंपनसेट करने के लिए हम कंडेंसर से इस पाइप के थ्रू जो कंडनसेटर उसकोटर में भेजते हैं और यहाँ भेजने पे क्या है कि हमारे पास इस पाइप पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा हुआ है और जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का मेन काम क्या है क्यों हमें पता है कि ये जो साइड है ये हाई प्रेशर साइड है और ये साइड हमारी लो प्रेशर साइड है जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है इसका मेन काम है कि जो भी कंडेंसेट हमारा कंडेंसर से ही वेपोरेटर में आएगा उसका जो कंडेंसर का प्रेशर है उसको इवेपोरेटर के प्रेशर तक मेंटेन करना उसके प्रेशर को रिड्यूस करना क्योंकि ये लो प्रेशर साइड है और इसको प्रेशर को रिड्यूस करने का मेन कारण क्या है कि हमें पता है कि जब प्रेशर को हम कम करते हैं जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और जो वाटर है यहाँ पे कम से कम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाए चिल्ड वाटर जो वाटर इस ट्यूब के थ्रू आएगा वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करके अब मैं एक बार रिपीट करूँगा कि यहाँ से मेनली हमारा जो मेन काम था वर्किंग हमारा जो साइकिल है वो कम्प्लीट होने वाला है कि यहाँ से रेफ्रिजरेंट से हमारा वाटर जाएगा यहाँ स्प्रे करेगा जो हमारे पास यहाँ से वार्म वाटर आएगा ट्यूब्स पे वो यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से हमें चिल्ड वाटर की आउटलेट दे देगा और इस चिल्ड वाटर को हम भेज देंगे एयर कंडीशनिंग में या जो हमारी रिक्वायरमेंट है चीलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में या दूसरा जो चीलिंग ऑफ बीवरेज या फ्रूट जूसेस में वहाँ इसकी सप्लाई कर देंगे तो इस तरह से इसके जो मेन कंपोनेंट्स की हमने बात की इसकी वर्किंग की बात की और अलग अलग स्टेजेस पे कहाँ स्ट्रोंग सॉल्यूशन है कहाँ वीक सॉल्यूशन है और कैसे जो हमारा रिडक्शन होता है लेवल का इवेपोरेटर में उसको कैसे कंपनसेट करते हैं कैसे कंपनसेट करते हैं और कैसे उसके जो प्रेशर को मैंटेन करते हैं तो फ्रेंड्स आज हमने बात की कि लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और एन यूनिवर्स डबल टू को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग हैवी नाइस डे